ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DTAB। जनरली जैसा कि आप कोविड में देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको मेंबर्स मिलेंगे जिनकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी या जिनका आपने इंटरव्यूज़ सुने होंगे इस टाइम पर कोविड वैक्सीन के बारे में। कोविड से पहले ये लोग इतना लाइमलाइट में नहीं थे, कोई जानता नहीं था, लेकिन फार्मा में इन्हें हम पढ़ते ज़रूर थे। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से आपका क्वेश्चन रहता है जीपैट नाइपर में, जनरली आपसे मेंबर पूछे जाते हैं और काम क्या है इस बोर्ड का वो पूछा जाता है। तो इस स्लाइड्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो है खुद जाकर जब इन्हें प्रैक्टिकली देखेंगे, अब मैं आपको स्लाइड्स में बता दूंगा तो आप भूल जाएंगे, लेकिन जब आप खुद CDSCO को की साइट पे देखेंगे, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद जाके जब देखेंगे कि एक्चुअल में ये कमेटी जो है हमारी होती है, इसमें ये मेंबर होते हैं, प्रेजेंट टाइम पर कौन कौन से मेंबर्स हैं, उनका नाम क्या है, वो क्या करते थे आपके पहले, तो वो आपको ज़्यादा बेटर नॉलेज देते हैं। तो DTAB के बारे में हम स्टार्ट करते हैं, आपके क्वेश्चन रहते हैं जीपेट में। तो सबसे पहले जीपेट या नाइपर जो भी आपका फार्मासिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो आपके 18 मेंबर्स टोटल होते हैं। DTAB का मैं आपको अगर काम बताने की कोशिश करूं कि ये करते क्या है, तो आप देखेंगे कि जो आपका ड्रग एंड फार्मेसी एक्ट है 1948, उसमें कोई चेंज करना है तो ये एडवाइज़ करते हैं। और इनके मेंबर्स में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आपके प्रेजेंट हैं जो आपकी ड्रग्स को लेकर, कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, ये आपके डिसीजन लेते हैं या एडवाइज़ करते हैं। तो ये आप DTAB का काम आप जब साइट पे जाएंगे तो वो आपको लिखा मिलेगा बहुत अच्छे से, आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो टोटल आपके 18 मेंबर्स हैं, 18 में से आपके 8 जो हैं वो एक्स ऑफिसो मेंबर्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि एक्स ऑफिसो का मतलब क्या है, ये हमेशा आप जो PCI देख लो, स्टेट फार्मेसी काउंसिल देख लो, तो उसमें ये एक्स ऑफिसो मेंबर होते कौन से आखिरकार। तो ये आपके वो मेंबर्स होते हैं जो ऐसे पद पर हैं, ऐसी पोस्ट पर हैं कि जिनको मेंबर बनाना ज़रूरी होता है। जैसे आप ड्रग कंट्रोलर को देख लें, आप PCI के प्रेसिडेंट को देख लें, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट को देख लें, तो उनका यहाँ पर कमेटीज़ में प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बात करें तो हम 8 जो है आपके मेंबर्स एक्स ऑफिसो थे, 5 मेंबर्स जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। इसमें आपके देखेंगे कि आपको इंडस्ट्रियलिस्ट मिलेंगे, आई थिंक टीचर्स भी कुछ प्रेजेंट होते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट वगैरह, तो ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। जैसे ही आपकी गवर्नमेंट बदलती है तो इन मेंबर्स जो नॉमिनेट हुए हैं, जैसे अभी BJP की गवर्नमेंट है तो उसने कुछ और मेंबर आपके नॉमिनेट किए होंगे, कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो अपने पसंद के मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट करते हैं। तो ये बातें चलती रहती हैं इंडिया में खासकर, कि जौन सी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो अपने पसंद के मेंबर्स को नॉमिनेट करती है। हाँ, उनकी क्वालिफिकेशन ज़रूर देखी जाती है, वो एलिजिबल हैं या नहीं है। जबकि आपके 5 मेंबर्स हैं जो कि आपके इलेक्ट होते हैं, जिन्हें चुना जाता है, इलेक्शन होते हैं, कमेटी बैठती है, तो वो आपके 5 मेंबर्स होते हैं। तो आपके 5 + 5 = 10 + 8 = total 18, तो आपके 18 मेंबर्स हैं। सबसे पहले एक्स ऑफिसो मेंबर्स, ये आपसे पूछा जाता है, इनके नाम पूछे जाते हैं। जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये आपके चेयरमैन होते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए आपसे कि आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज प्रेजेंट टाइप पर कौन है, तो आई थिंक कोई रेयर फार्मा स्टूडेंट होगा जो बता पाएगा, लेकिन आपको ये सब पता होना चाहिए कि ये कौन है, आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज कौन है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये चेयरमैन होते हैं, एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि DTAB का चेयरमैन कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट इसमें होता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जिसे हम DCI कहते हैं। फिर आपका डायरेक्टर्स होते हैं लेबोरेटरीज़ के, जैसे आप देखेंगे एक आपका CDL कोलकाता, यानी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, या फिर आपको कलकत्ता लिखा हुआ मिल सकता है। फिर आपके डायरेक्टर होते हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपके कसौली में है। इसके बाद आपका डायरेक्टर होते हैं वेटनरी
इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका आज़ाद नगर में है वहाँ पर। नेक्स्ट पीसीआई के जो आपके प्रेसिडेंट हैं जैसे कि बी सुरेश हैं अभी, तो वो इसका एक पार्ट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, प्रेसिडेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिसे हम एमसीआई कहते हैं, इनका नाम एमसीआई का आई थिंक चेंज हुआ है तो ये आपको देख लेना चाहिए, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ सीडीआरआई लखनऊ, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है सीडीआरआई लखनऊ। ये आपको इंस्टीट्यूट के नाम, शॉर्ट फॉर्म और ये प्रेजेंट कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ है। जैसे आप देखेंगे सीडीआरआई का एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है आपसे कि सीडीआरआई कहाँ है, तो वो लखनऊ में है, इनके फुल फॉर्म सीडीआरआई की फुल फॉर्म, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आपके। तो सबसे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज चेयरमैन होते हैं, फिर आपके ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, फिर आपके तीन डायरेक्टर्स हैं, एक आपका सीडीएल कलकत्ता के हैं, एक आपके सीआरआई सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली के हैं, एक आपके वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आज़ाद नगर के हैं, दो प्रेसिडेंट हैं, एक पीसीआई एक एमसीआई, और एक आपके डायरेक्टर हैं और जो आपके सीडीआरआई के हैं। आप डायरेक्टर को यहाँ भी इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको चार डायरेक्टर्स मिल जाएंगे, ये आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये अलग है इसको ना काउंट करें, तो आपको इस तरह से याद हो जाता है। नेक्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पांच नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारे नॉमिनेट करती है। जैसे अब इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, कुछ आपके यूटी भी है जैसे लद्दाख को बनाया गया, तो वहाँ पर जो इन स्टेट्स के जो हेड हैं जो आपका ड्रग कंट्रोल करते हैं, तो उनमें से आपके दो लोगों को चुना जाता है। तो ये बात रहती है हमेशा कि दो लोगों को चुना जाता है उनमें से, वो आर द इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑफ इन स्टेट्स, तो आपके ड्रग कंट्रोलर हैं या ड्रग कंट्रोल करते हैं स्टेट्स में, तो उन्हें चुना जाता है। एक पर्सन होता है आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, ये कोई भी आपकी प्राइवेट फॉर्म हो सकती है या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई फॉर्म है, सेमी गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर इसको चुना जाता है एक पर्सन को। जनरली ये कोई आपका किसी कंपनी का डायरेक्टर होते हैं या कुछ और होता है, ऐसे चुना जाता है। टू गवर्नमेंट एनालिस्ट, गवर्नमेंट एनालिस्ट को इसलिए चुना जाता है क्योंकि इनका जो मेन काम रहता है वो ड्रग टेस्टिंग में रहता है, तो उनको बहुत अच्छे से नॉलेज होता है इम्प्योरिटी के बारे में, लेवल्स के बारे में, एसेस के बारे में, तो इसलिए गवर्नमेंट एनालिस्ट को, दो गवर्नमेंट एनालिस्ट को इसमें जोड़ा गया है। तो आप देखेंगे कि आप आठ मेंबर्स आपके एक्स ऑफिसो थे जिसमें आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज था, डीसीआई था, डायरेक्टर ऑफ सीडीएल, डायरेक्टर ऑफ आप सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर आपके इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर आपके सीडीआरआई के, प्रेसिडेंट एमसीआई पीसीआई, और अब ये पांच मेंबर्स आप देखेंगे जो इसमें दो आपके ड्रग कंट्रोलर हैं या ड्रग कंट्रोल कर रहे थे डिफरेंट स्टेट्स में, उनको चुना गया है, एक जो पर्सन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है और एक आपका जो है दो आपके गवर्नमेंट एनालिस्ट हैं, और ये सभी के सभी मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है। नेक्स्ट इलेक्टेड मेंबर्स, जिनका चुनाव होता है या जो चुने जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट एक फार्माकोलॉजिस्ट जिसे आपका आईसीएमआर चुनता है। आई थिंक आईसीएमआर का नाम आपने सुन लिया होगा, मैंने ये खुद पर्सनली विजिट किया है आईसीएमआर को, आईसीएमआर का हेडक्वार्टर जो आपका एम्स है दिल्ली में, उसके पास ही है ये जो हेडक्वार्टर है आईसीएमआर का, तो तीन चार बार मैं खुद पर्सनली विजिट किया है। तो वन फार्माकोलॉजिस्ट इलेक्टेड बाय द इंडियन फार्मेसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डेट इज़ आईसीएमआर। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, अराउंड 20-22 इंस्टीट्यूट हैं आईसीएमआर के पूरे इंडिया में। नेक्स्ट वन पर्सन फ्रॉम द काउंसिल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, तो जो भी आपका काउंसिल्स में मेंबर प्रेजेंट हैं आईपीए के, वहाँ से आपका एक मेंबर चुना जाता है। जनरली आप क्या करते हैं, आप आईपीसी अटेंड करते हैं, इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस ऐसा कुछ नाम है, तो वो कहीं गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी में उसका इतना रोल नहीं है, रोल है आपका फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो आप आईपीसी अटेंड करते हैं वहाँ पर उसका इतना कोई रोल नहीं है, जो कॉलेजेस में होती है, इंटरव्यूज होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, तो ज़्यादातर आपका रोल है इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन आईपीए का, ये आपको याद रखना चाहिए। कुछ लोग इनकी मेंबरशिप भी लेते हैं,
कुछ फीस होती है, कुछ आपकी एलिजिबिलिटी होती है। 1 पर्सन इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन, एक जो पर्सन है आपका सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन से। फिर आपके 2 टीचर्स होते हैं जिसमें से एक टीचर आपका फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का होना चाहिए, इलेक्टेड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी भी कुछ एलिजिबिलिटी होती है कि उन्हें 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस हो, तो उस बेस पर PCI उन्हें उठाती है। तो ये बात रहता है कि एक टीचर आपका फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हो, एक आपका मेडिसिन और थेरापूटिक में हो, जिसे आपका मेडिकल रिसर्च जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ मेडिकल रिसर्च है वो उन्हें इलेक्ट करती है, पिक करती है। तो ये 5 लोग आपको पता होने चाहिए। एक आपका फार्माकोलॉजिस्ट है, ICMR चुनता है, एक आपका इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन चुनता है, एक पर्सन आपका सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन चुनता है, और एक टीचर जिसे PCI चुनता है, फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में होता है, और एक पर्सन जिसे मेडिसिन या थेरापूटिक्स की नॉलेज होती है, जिसे आपका एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ मेडिकल रिसर्च चुनता है। तो ये आपके मेंबर्स थे जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है। ये जो है आपके, आई थिंक ये नाम आपको पढ़ लेना चाहिए, डायरेक्ट डॉक्टर VG सोमानी, हिंदी में भी लिखा है, औषधि महानियंत्रक, ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, ये इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है, ये आपकी CDSCO शॉर्ट फॉर्म में है। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जिसे आपने देखा था, चेयरमैन है। नेक्स्ट आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, ये आपका मिनिस्ट्री होती है। अब एड्रेस, ये एड्रेस है आपका दिल्ली में, कोटला रोड FDA भवन न्यू दिल्ली। आई थिंक कोई किसी ने विजिट किया होगा, क्योंकि मैंने अंदर से विजिट नहीं किया है, बाहर से ज़रूर देखा है ऑफिस इनका। तो ये आपकी चीज़ें रहती हैं, डॉक्टर VG सोमानी, ये आपको पता होना चाहिए। ये मेंबर्स हैं इस टाइम पर, ये आपके DCG हैं डॉक्टर VG सोमानी। इसके बाद DDC, ये हैं आपके, फिर ये DIs हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स से जिन्हें चुना गया है, और ये अदर्स मेंबर, यानी ये पूरा डेटा नहीं है, ये मैंने साइट से ही पर्सनली डेटा आपका उठाया है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई रिक्वेस्ट टू विजिट द CDSCO वेबसाइट। सो थैंक यू सो मच, एंड यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर योर सपोर्ट।